एक जमाने में मुझे याद है, एक जमाने में ये ग्लोइंग की, ब्राइटनिंग की, व्हाइटनिंग की एक क्रीम आई थी, वो बहुत सारी क्रीम्स को मिक्स करते थे और उसके बाद वो लगाते थे, उसके अंदर मर्करी शामिल होता था एंड देन फिर आपकी जिल्द जो थी वो बहुत पतली हो जाए करती थी, और नहीं वो अलग थी, इसमें भी होती थी, अच्छा इसमें भी होती थी, और फिर वो अचानक से पर्पल होती थी, पर्पल के बाद बहुत बुरी हो जाती थी, और बेशुमार लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, अभी भी हो रही है, बहुत हो रही है. But why? अब जो आप कह रहे पहले मिला के करते थे वो क्रीम बड़े बड़े नाम के साथ, नाम आपको के मिल साथ बड़ी अच्छी पैकेजिंग exactly. और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएगी और मर्करी मौजूद है उसमें लिखा हुआ है. सो हियर इज माय क्वेश्चन, अगर अगर आप ग्लो या ब्राइटनिंग के लिए ऐसी कोई क्रीम इस्तेमाल करते हैं जिसमें मर्करी मौजूद है तो उससे आपकी जिल्द पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं? सर देखिए सिंपल, सबसे पहले तो स्किन थिनिंग होने स्टार्ट हो जाती है. हाँ. ना उसके बाद हाइपर, अब जैसे ही आप उसको स्टॉप करते हैं वो लोग हाइपर पिगमेंटेड पैचेस आने लगते हैं स्किन पे, और बहुत फाइन आपको ना जो लाइंस होती हैं, आपको जो कैपिलरीज होती हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं फेस पे. एंड अनफॉर्चूनेटली सॉरी टू इंटरप्ट, उसके बाद आप किसी भी ट्रीटमेंट के काबिल नहीं रहते. सीरियसली? नो, बिकॉज़ द स्किन इज सो थिन वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. वेन तक नजर आ रही है. खुदा का वास्ता हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके, खुदा का वास्ता, इमेजिन दिस की कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है ये, कि जो आप क्रीम बनाते हैं या जो बाहर से मिल रही है जिसके अंदर मर्करी शामिल होती है वो आपकी स्किन को बहुत, जिल्द को बहुत पतला कर देता है, आपकी कैपिलरीज, आपकी वेन्स जो है वो नजर आने लगती हैं और आपका रंग और डार्क हो जाता है जब आप उसे छोड़ते हैं तो. और इवन फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमनली जो साइड इफेक्ट डेवलप होता है उसको कहते हैं फेशियल हेयर की ग्रोथ. फेशियल हेयर की ग्रोथ, फेशियल हेयर की ग्रोथ. अच्छा क्या यही कैंसरस हो सकता है? सॉरी, कैंसरस हो सकता है बाद में? देखिए लॉन्ग टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, अगर हमारे पास तो ऐसे ऐसे केसेस जो 20-20 साल से यूज कर रहे होते हैं इन चीजों को. 20 साल से? यस जी. एंड दिस इनको कुछ नहीं हुआ एंड दे आर हैप्पी टू यूज इट. कुछ भी नहीं हुआ. यहाँ पे मसला है कि अब ये जो बात है ना, लोग उसके आगे की बात को नहीं समझेंगे, ये बात समझ लेंगे उनको 20 साल से कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक ही फैमिली में अगर तीन लोग लगा रहे हैं तो दो को कुछ नहीं हुआ और एक की स्किन बिल्कुल खत्म हो गई. नहीं, नहीं, वो इसी तरह से ना सिगरेट से बहुत सारे लोग, हमने में बड़ी मजे की बात है कि भाई ये सिगरेट आप छोड़ दो, नहीं मैं तो 30 साल से पी रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. सिगरेट एक बुरी चीज है, अगर आप उसको छोड़ोगे तो आपको फायदा है इसके अंदर. तो हम ग्लो के, ब्राइटनिंग के चक्कर में रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है, हम कहते हैं कि नहीं नहीं व्हाइट कलर्स यूज नहीं करो, व्हाइटनिंग कलर्स यूज नहीं करो, ये सब कुछ यूज नहीं करो, बट इट्स ऑल द सेम, इट्स ऑल द सेम. करना तो वो ये ना, सिर्फ आपने नाम लव्स चेंज कर दिया, दैट्स द मोटिव बिहाइंड इट. हां, दैट्स द मोटिव बिहाइंड इट. आपने सिर्फ नाम को, हालांकि यू नीड टू बी ओके विद योर, अगर आप देखिए मैं तो किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूं, अगर आप अपने आप को जैसे भी देखना चाहते हैं ये आपका राइट है, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन उस पे अपनी सेहत से मत खेलें. ऑफ कोर्स, आप कहीं ना कहीं हम पाले ऐसे गए हैं, परवरिश हमारी ऐसी हुई कि हम ब्राउन स्किन को थोड़ा सा कम समझते हैं. कैसे? क्यों? और वाइट स्किन को जो है ना बहुत आला समझते हैं. तो डेफिनेटली हमारे अंदर ये बचपन से पाया गया है. अंग्रेजों से पूछें, अंग्रेजों से पूछें, वो बाहर जो बैठी थी वो वाली कर रहे होते हैं, वो चुप बैठी थी कि वो वाली जो क्रीम है वो मैंने भी इस्तेमाल की है. चुप बैठी थी. यूके के प्रैक्टिस में सिर्फ यही था कि व्हाट आर वी डूइंग, वी हैव जस्ट अप्लाइड अ टैनिंग क्रीम. हम कहती थी ये भी लोग हैं और हम, वी आर गोइंग क्रेजी कि हम अपनी स्किन तबाह बर्बाद कर रहे हैं, मेलानिन वी आर किलिंग इट, जो कैंसरस बन जाता है इन फ्यूचर. एक्चुअली मेरे ख्याल से इंसान की साइकी है कि जो चीज उसको मिलती है ना वो उसको. क्लास 10th में एक सबक था जो मौलाना आजाद ने लिखा था, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता. तो आपकी जो स्किन है भाई, बी हैप्पी विद इट. आप उसको अच्छा करना चाहते हो, ब्राइट करना चाहते हो, लाइट करना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू इट. तो मैंने तो अक्सर ये भी देखा है कि लोग शुगर की अपनी इंसुलिन खुद ही बदल लेते हैं. आई मीन दे डोंट इवन गो टू द डॉक्टर. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस प्लेटफॉर्म पे मैं कहूंगी कि इंसुलिन किसी बड़े यानी रिकॉग्नाइज स्टोर से खरीदें, क्योंकि इंसुलिन में बहुत यानी जाली वो अभी आती भी आता है. जी, जी 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 बिल्कुल आती हैं. एक कंपनी की इंसुलिन स्टिकर किसी और का लगा हुआ है, कौन से टाइप की इंसुलिन स्टिकर किसी और का लगा हुआ है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा. इस पर मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो भी बनाई है, बड़ी वायरल हुई थी इस पर. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग इमरजेंसी में लैंड होते हैं, हम सोच रहे हैं 24 यूनिट किसी और इंसुलिन के, वो लगा रहे हैं 24 यूनिट किसी और इंसुलिन के, वो अचानक हाइपोग्लाइसीमिया हो गया और वो इमरजेंसी में लैंड कर रहे हैं. तो किसी बड़े अस्पताल की फार्मेसी या किसी बड़ी रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी से आप इंसुलिन खरीदें. कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती, मतलब जहाँ से वो आ रही है वो चेन मेंटेन नहीं होती. लोग अच्छा, कुछ लोग फ्रीज़र में रख देते हैं खुद भी बेचारे, कि हम कहते हैं ठंडक में रखें तो वो फ्रीज़र में इंसुलिन रख देते हैं, तो वो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है. ये सारी चीज़ें. ओके, तो आपको टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना है इंसुलिन का, प्लस जहाँ से आप ख़रीद रहे हैं वो कोई रिकग्नाइज फार्मेसी होनी चाहिए या फिर किसी बहुत बड़े अस्पताल की फार्मेसी होनी चाहिए. एंड प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करते